इस मीटिंग में जर्नलिस्ट क्लब एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, मैं समझता हूं आजमगढ़ में जितने भी वेलफेयर एसोसिएशन काम कर रहे हैं सभी का रिप्रेजेंटेशन इस मीटिंग में है। उपस्थित सभी एसोसिएशन के मेंबर्स और सभी साहिबान जो हमारे इस मीटिंग में है, हमारे सभी पार्टी लीडर्स, सबसे पहले जर्नलिस्ट क्लब के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। हालांकि मैं लोकसभा के कई चुनाव लड़ा हूं, लेकिन जैसा कि आजमगढ़ अपने आप में है कुछ ना कुछ अलग करने वाला शहर है, इस तरह की किसी भी क्षेत्र में कभी मीटिंग आउट नहीं की गई जो आज यहाँ के जर्नलिस्ट क्लब ने की है, उसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ और जितने भी लोग जर्नलिस्ट क्लब के इनविटेशन पे आए हैं उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जहां तक आजमगढ़ का सवाल है, मैं समझता हूँ आजमगढ़ अपने आप में बहुत ऐतिहासिक जिला है, जहां आजादी के आंदोलन में आजमगढ़ के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वही आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के अंदर जितने भी बड़े आंदोलन हुए, जितने भी राजनीतिक परिवर्तन हुए, उन तमाम चीजों को आजमगढ़ के लोगों की दूरदृष्टि पहले से ही भांपी और पहले से ही समझी, और आजमगढ़ के लोगों का जो विद्रोही तेवर रहा, स्वभाव रहा, नेचर रहा, मैं समझता हूं पूरे देश में इस नेचर को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, ऐसा शानदार स्वभाव आजमगढ़ की माटी में है। क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, बहुत सारे हमारे सीनियर भी मिले इसी हॉल में, सदे नेताजी के सानिध्य में मुझे बहुत रहने का मौका मिला, और 1990 से लेकर अब तक जितनी भी चीजें मुझे याद हैं और जितने मौके पे मुझे चीजें याद हैं, मैंने हमेशा नेताजी की जुबान से आजमगढ़ के लोगों के तेवर, आजमगढ़ के लोगों का राष्ट्र के योगदान निर्माण में जो योगदान है, आजमगढ़ के लोगों का जो समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का एक स्वाभाविक स्वभाव रहा है, उस बात की चर्चा में अक्सर सदैव नेताजी के जुबान से सुनता रहा। 1996 में मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सौभाग्य मिला, और मैं समझता हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय आजमगढ़ के मेरे हजारों नौजवान ऐसे थे जो कोई हमसे सीनियर थे, कोई हमारे क्लास फेलो थे, कोई हमसे जूनियर थे, और आजमगढ़ के बारे में अधिकांश मौकों पर मुझे बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला। आजमगढ़ के पिछड़ेपन की भी कहानियां सुनी, आजमगढ़ की तरक्की की भी कहानियां सुनने का मौका मिला, और आजमगढ़ के लोगों का जो साहित्य में, कला में जो योगदान है उसको भी सबको समझने का, सीखने का और सुनने का सौभाग्य मिला। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली इस बात को लेकर समझता हूं, जिस आजमगढ़ की सरजमी पर स्वर्गीय चंद्रजीत जी, स्वर्गीय रामनंद जी जैसे नेता पैदा हुए, सदे नेताजी के दिलों में जो धड़कने वाला जिला हो, आज अखिलेश यादव जी ने जिसे अपना दूसरा घर माना, ऐसे शानदार जनपद से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, ये मैं समझता हूं मेरे जैसे समाजवादी नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। आजमगढ़ के विकास तरक्की की जो मैंने चीजें समझी, देखी, सुनी, मैं कह सकता हूं कि 1994 में सदे नेताजी ने आजमगढ़ के लोगों को सरप्राइज दिया था, जब वो एक मीटिंग को संबोधित करने आए
और अपने साथ हेलीकॉप्टर में कमिश्नर और डीआईजी को लेके आए और आजमगढ़ को कमिश्नरी की घोषणा करने का काम किया। तब से लेके अब तक चाहे आजमगढ़ के अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, शुगर मिल हो, एयरपोर्ट हो, यहाँ की सड़कें हो, यहाँ के बांध हो, पुल हो या और भी मूलभूत समस्याएं, उन तमाम समस्याओं पर अगर किसी की पैनी नजर नहीं तो हम समाजवादी लोग सौभाग्यशाली हैं, समाजवादियों की रही, सदैव नेताजी के कार्यकाल में रही, आगे अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में रही। जहां तक आजमगढ़ के विकास की रूपरेखा का सवाल है, आज इस मौके से पहले भी मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बात करने का प्रेस के साथियों से मौका मिला, मैंने एक ही बात कही कि आजमगढ़ की तरक्की के लिए, आजमगढ़ की विकास के लिए मुझे कोई नई रूपरेखा बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो मॉडल सेट किया है अपने नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, मुझे केवल उसी के रास्ते पर भी हम चलते रहेंगे तो आजमगढ़ की विकास और तरक्की फिर कहीं से रुकने की रुक नहीं पाएगी और आजमगढ़ तरक्की के रास्ते पर बहुत आगे जाएगा। आजमगढ़ के साथियों, मैंने हर मौके पर कहा, लगातार अपने कंपेन में, स्पीच में भी कहा, प्रेस के लोगों के बीच भी कहा और आज पूरे जनपद के सब प्रतिष्ठित लोग बैठे इनके बीच भी मैं एक ही बात कहूंगा, आजमगढ़ के विकास को आपने समाजवादियों के योगदान को देखा है, समझा है, महसूस किया है और इस बात से हमारे विपक्ष के लोग भी इनकार नहीं कर सकते कि आजमगढ़ में जो तरक्की हुई है वो समाजवादियों की देन है और उस विकास और तरक्की के रास्ते पर जो भी समाजवादी पार्टी के पास क्षमता होगी, स्वाभाविक अगर हम विपक्ष में रहेंगे तो हो सकता थोड़ा कम काम कर पाए और पक्ष में होंगे तो चाहे दिल्ली की सरकार हमारे पक्ष की हो या लखनऊ की सरकार पक्ष की हो, उस सरकार के खजाने का मुंह आजमगढ़ की तरक्की के लिए मोड़ने का काम करूंगा। ये मैं सभी आजमगढ़ वासियों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। हम लोग की तरक्की विकास की जो मॉडल है कोई आर्टिफिशियल मॉडल नहीं है, बुनियादी सवालों पर काम करके और काम दिखाने वाले लोग हैं। आज आजमगढ़ में पीजीआई है तो हजारों लोगों को इलाज मिल रहा है, आजमगढ़ में अगर शुगर मिल बनी तो लाखों किसानों के गन्ने का इंतजाम हो रहा है। हम समाजवादी लोग कोई ऐसा विकास नहीं करते हैं कि आज फीता काटे और 30-32 दिन के अंदर जिसका फीता काटे उसी में आग लग जाए, ये विकास का मॉडल समाजवादियों को पसंद नहीं है और संभवतः आजमगढ़ के लोग भी इस चीज को कभी पसंद नहीं करेंगे। साथियों, तो जहां आजमगढ़ के विकास एक प्रतिनिधि के तौर पे करने की जिम्मेदारी आएगी, वही मैं कह सकता हूं आजमगढ़ के लोगों, लोकसभा के अंदर भी जब आप सबका आशीर्वाद लेके निकलेंगे तो कोई कमजोर वकील साबित नहीं होंगे, बहुत मजबूती के साथ आपकी बात और आपका सम्मान बढ़ाने का, गौरव बढ़ाने का प्रयास करेंगे आजमगढ़ के लोगों का, क्योंकि आजमगढ़ के लोग ऐसे लोग हैं जिनका समाज में, देश में, राष्ट्र के निर्माण में हर चीज पर पैनी नजर है और केवल पैनी नजर ही नहीं है बल्कि आजमगढ़ के लोगों की तमन्ना इस बात की भी रहती है कि देश में कोई परिवर्तन आए, देश में कोई बड़ा काम हो तो आजमगढ़ की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ये मैं समझता हूं हर आजमगढ़ के वासी के दिल में तमन्ना है और मैं कोशिश करूंगा जितना मैं समझ सका हूं, जितना मैं समझाऊं, मैं कोशिश करूंगा कि अपने कार्यकाल में आप सबके आशीर्वाद से इस क्षेत्र का, इस प्रदेश में, देश में नाम रोशन हो, विकास तरक्की के मामले में रोशन हो और भी जो देश के सामने चुनौतियां मुद्दे आएंगे उन हर मुद्दों पर आजमगढ़ की आवाज एक अलग आवाज हो, ऐसी आवाज देने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। साथियों, क्योंकि आप सबने ये प्लेटफॉर्म दिया है मुझे तो मैं अपनी बात को भी कहने से नहीं छूटना चाहूंगा ना छोड़ना चाहूंगा। साथियों, इन मुद्दे के साथ साथ, विकास तरक्की के साथ साथ, आज जो देश के सामने बहुत गंभीर संकट है और देश में जो एक बड़ी चर्चा और बहस चल रही है कि देश का वर्तमान संविधान जिसको बाबा साहब ने बनाया था, जिसको मैं समझता हूं 135 करोड़ भारतवासी
न केवल स्वीकार किए बल्कि हर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि संविधान के साथ मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी भागीदारी, हर चीज सुरक्षित है। आज सवाल इस बात का है कि देश का संविधान इसी फॉर्म में रहेगा, यही बाबा साहब का संविधान रहेगा, या कोई नया मॉडल तैयार हो चुका है संविधान बनाने का। और यो ही भी साथियों शंकाएं हैं, लगातार आप देखेंगे पिछले 10 साल में योगी मोदी जी की वर्तमान सरकार के जो फैसले हैं, अगर उन फैसलों का अध्ययन करेंगे सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तो आपको महसूस होगा कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है। देश तानाशाही की ओर इसलिए भी जा रहा है, आप सोचिए कि विपक्ष के 150 एमपी एक साथ सदन से निष्कासित कर दिए जाते हैं, और निष्कासित इसलिए किए जाते हैं क्योंकि देश के कानून में संशोधन करना है। कानून भी ऐसे कोई नहीं कानून ऐसे वैसे, देश की आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी जैसे महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाते हैं, और वो महत्वपूर्ण संशोधन इसलिए लाए जाते हैं, उन संशोधनों का जो भाव है वो ये है कि अगर देश के अंदर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो तो उस आंदोलन को कैसे दबाया जाए, उसकी पूर्व तैयारी पहले से बीजेपी की सरकार ने कर रखी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी जुबान से कई बार कहा कि ऐसे परिवर्तन आएंगे 24 के बाद कि लोग हजारों साल याद करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का या सरकार का, जब आप हजारों साल की बातें याद कराओगे तो निश्चित तौर पे देश के आम जनमानस के दिल में इस बात की शंका जरूर जाएगी कि ऐसी कोई व्यवस्था जरूर आ रही है जिस व्यवस्था को 5 साल बाद बदलने का जो हक और अधिकार मिला हुआ है, ये अधिकार कहीं ना कहीं छीनने जा रहा है।